Lights, camera, action. Hi guys, this is Avinash Mishra and मैं play कर रहा हूँ शांतनु का role आपकी favorite serial ये तेरी गलियाँ में. So चलते हैं और मिलते हैं मेरी set की सबसे crazy सहेली से. Come on. Hey guys, आप आ गए. अच्छा तो मैं बता देती हूँ. This is Vrushika Mehta और पुचकी from my favorite show ये तेरी गलियां. तो मैं सब मतलब ready हूँ, कोई मुझे बुला ही नहीं रहा है. Hello everyone, हम लोग ये तेरी गलियां से हैं and I am playing the character of निवेदिता मजूमदार. नमस्कार, मैं गोविंद पांडे. मैं इसमें RM रविंद्र मजूमदार का करैक्टर कर रहा हूँ. घर का हेड है मुखिया है. हेलो, मैं हूँ हर्ष मित्तल, इस शो का निरामर मजूमदार. हाय गाइस, मेरा नाम है रेने और आप मुझे जानते हैं ब्यूटी के नाम से. इस शो में ब्यूटी का करैक्टर मैं निभा रही हूँ और ये आपने शो में मेरी बेटी के रूप में देखा होगा, किंजल. इतना ही अच्छा दिख रहा है ना, सफेद सा एक बिल्कुल खरगोश जैसा दिखता है मेरा बेटा ना, ये उतना ही शैतान है अंदर से. भरत कमवानी मेरा नाम है और मैं बिजॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. हमारी ये मेरी जो बहू है निवेदिता, ये जिस तरह से खूबसूरत हैं वैसे इस शो में भी दिखती हैं, मगर उसके पीछे इनका जो जितने भी कार्यकलाप हैं वो बहुत ही शैतानी भरे हुए हैं, जस्ट लाइक ए गिरगिट ना. और रियल लाइफ में ये बहुत शैतान है, बहुत मजाक करती हैं. सबसे ज़्यादा सीनियर है यहाँ पर दिल से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और हम सबके बहुत प्यारे हैं हमारे चहेते. अर्ज किया है कि भाई पुचकी और शांतनु पे चढ़ा है इसका रोग. पुचकी और शांतनु पे चढ़ा है इसका रोग. रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी है ये काफी टैलेंटेड लोग. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. वैसे आपको बता दिया जाए, बहुत ही जल्द ये शो 1 साल पुराना होने वाला है. यस, 1 साल पुराना. पुराना बोलना थोड़ी नाइंसाफी होगी ना, तो एक्चुअली इसे कहते हैं कि ये शो दिन ब दिन और भी ज्यादा नया और भी ज्यादा तरोताजा होता जा रहा है. टीवी पे तो आपने शांतनु और पुचकी को उनके किरदार प्ले करते हुए देखा ही है, लेकिन रियल लाइफ में क्या आप जानते हैं ये कैसे हैं, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जानना चाहते हैं? तो चलिए इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे पता करते हैं कि ये एक दूसरे को कितना जानते हैं और एक दूसरे के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं. करते हैं इनसे बात विद सम पर्सनल सवालात. अच्छा तो मुझे बताइए कि जब सबसे पहले आप पुचकी को यानी मुझे आप सबसे पहले जब मिले तो आपको क्या लगा? नहीं, मैंने जब फर्स्ट टाइम पता चला कि रुशिका के साथ करना है तो ऐसा मन में ख्याल आया कि यार ओके, शायद हो सकता है खड़ूस हो, थोड़ी सी ऐसी हो एटीट्यूड वाली. बट मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हमारा एक सीन था जिसके लिए मैं पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर था, बट ये आके जस्ट प्रिपेयर हो रही थी. तो उन्होंने मुझे 5-6 बार पोक किया था कि लाइंस कर लें क्या, लाइंस कर लें क्या, 5 बार मुझे ऐसा बोला. तो मुझे लगा बहुत स्वीट है क्योंकि ऐसा फर्स्ट बार कोई बोलता नहीं है एक्टर को. तो सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि जब आप पहली बार मुझसे मिली शांतनु से, जब आपको पता चला कि अविनाश मिश्रा शांतनु प्ले करने वाला है, तो आपके क्या थॉट्स थे? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम वही जैसे बात हुई अगेन एंड अगेन, आई वाज टेलिंग हिम के यार कर लेते, मेरे को लगा ये चिढ़ जाएगा, वो ऐसे बोलेगा अरे यार ये क्या है यार, इसके साथ नहीं करना है टाइप. बट यू ऑल्सो वेरी स्वीट. आई थिंक बहुत जल्दी हमने बातचीत करना शुरू कर दी, हमारे बीच में वो कम्फर्टनेस पहले से ही थी. एंड फर्स्ट सीन में यानी मैंने उसको मार दिया था, तो मुझे तो मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये मारने वाली है, बट इसने मार दिया तो मैं भी टेक में ले लिया. बाद में मैं सोचा कि यार एटलीस्ट बताना तो था कि तू टेक में ऐसा कर रही है. आपको मेरे किस बात पे गुस्सा आता है और किस बात पे प्यार? मुझे गुस्सा तब आता है जब तुम मुझे ज़बरदस्ती चढ़ा रही होती है, और प्यार आता रहता है क्योंकि क्रेजी हरकतें करते रहती है. वही अगर मेरा क्वेश्चन हो, मुझे गुस्सा तब आता है जब हम सीन कर रहे होते हैं और ये स्क्रिप्ट हाथ में लेके पकड़ के रिहर्सल कर रहा होता है, मुझे तब गुस्सा आता है. और प्यार मुझे तब आता है जब अगर मैंने हील्स पहनी हो या मैंने मेरे को ड्रेस मेरा बहुत हैवी हो, तब ये मतलब मुझे बहुत हेल्प करता है, तो तब मुझे बहुत प्यार आता है. क्या नॉर्मल लाइफ में फैंस आपको पहचान लेते हैं? कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है जब वो पहचान जाते हैं इजिली, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि हम वही हैं.
तो वो आगे हमें पूछेंगे आप ही हो ना शांतनु? हाँ मैं ही हूँ. उसके बाद उनको बिलीव होता है, उसके बाद वो पिक्चर्स क्लिक कराएंगे या जो बोलना है बोलेंगे. यू नो दे रिकॉग्नाइज यू बिकॉज सिंस आप अपने कॉस्ट्यूम में नहीं रहते हो तो आप एकदम अलग दिखते हो, और जब आप कॉस्ट्यूम में रहते हो ऑल द लुक एंड ऑल इट मेक्स यू लुक डिफरेंट. सो कभी कभी वो पूछते कौन से शो से, तो हाँ मैं ये हूँ. अच्छा वो हो, आप कितने अलग दिखते हो. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी गेट ऑलवेज. सो कभी कभी बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, हाँ मैं ये हूँ. क्या आप कभी पुचकी की टांग खींचते हो? बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे कुछ भी सीन करते वक्त कुछ भी कॉमेडी हो जाती है. तो कभी सीन कर रहे हैं अचानक से सपोज टू बी दुपट्टा फंस गया हो, जगह इसको बोला था कि ऐसा ही करते हो बोंधू, तो डायलॉग था बोंधू, तो इसने टेक में बोल दिया था तुम ऐसा ही करते हो धोंधू. इसने बोल दिया था, हालांकि मैंने टेक में नहीं टोका उसे बिकॉज मूड ब्रेक हो जाता. अच्छा अब ये बताइए कि पुचकी का तकिया कलाम क्या है? पुचकी का तो ऐसा कोई तकिया कलाम तो है नहीं. चलो तो फिर ऋषिका का ही बता दो. गरम लागछे. आप दोनों में से किसको तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है? मैं. ये आता है लेट पर ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है, तो इसका मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. 5 मिनट्स बस जैसे जैसे किया मेकअप थोड़ा किया और निकल पड़ता है, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर ओनली टिल ही इज रेडी. ही विल बी ऑन सेट स्टिल, आई एम सिटिंग ओवर देयर टू गेट रेडी. सो यार